लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और काफ़ी सारे लोग इस लो ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जा रही है जो ओल्ड एज के होते हैं, लेकिन आज के समय में ये समस्या यंगर एज वालों में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। मैंने खुद ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट किया है जिनकी उम्र 20 से कम है और वो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। तो आज इस वीडियो में लो ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लो ब्लड प्रेशर क्या है, अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो आप कैसे जान पाएंगे, क्या लक्षण होती है, क्योंकि काफ़ी कॉमन लक्षण दिखते हैं अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और आपके शरीर में कुछ लक्षण दिख रहा है तो वो काफ़ी कॉमन लक्षण होते हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, अगर आप 1 से 2 दिन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और वो ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी 120 और 80 mmHg से कम पाया जाता है, तो क्या आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो चुके हैं? तो कब आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो चुके हैं? लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है और ये आपको कब खानी है? अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो क्या आपको लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? अगर आप 1 से 2 दिन या 5 दिनों के लिए आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या आपको लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? लो ब्लड प्रेशर की समस्या कब और कैसे शुरू होती है, क्योंकि ओल्ड एज वालों में ये कॉमन सी समस्या है। 90% ओल्ड एज के जो लोग होते हैं या तो वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं या तो फिर लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं। फिर भी उसका कारण क्या है और यंगर एज वालों में ये लो ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों हो रही है, क्या कारण है कि यंग एज्ड भी अब लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित पाए जा रहे हैं? सो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते किसे हैं? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है तब हमारे हार्ट में मौजूद जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में इंटर करता है तो हमारे ब्लड वेसल्स के दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और जब वो प्रेशर काफ़ी कम होता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर तक काफ़ी तेज़ी से पहुंचने लगता है जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है, और जब आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं तब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे बॉडी तक काफ़ी कम पहुंचना शुरू हो जाता है, वो भी काफ़ी हानिकारक होता है। यानी अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं वो भी नुकसानदेह है और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं वो भी नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर को 2 तरह के प्रेशर से मापा जाता है, पहला सिस्टोलिक एंड दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में से कौन सा खतरनाक है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, उसका आपको आई बटन के पास लिंक मिल जाएगा या तो फिर वीडियो के इंड स्क्रीन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लें। तो ब्लड प्रेशर को 2 प्रेशर के जरिए मापा जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg और 80 mmHg, यानी सिस्टोलिक की संख्या 120 mmHg और डायस्टोलिक की संख्या 80 mmHg। तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं? क्या 1 से 2 दिन या 5 दिनों के लिए आपका ब्लड प्रेशर गिरता है, कम होता है, तो क्या आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते हैं और 1 से 2 या 5 दिनों तक आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, कम रीडिंग आती है ब्लड प्रेशर की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो चुके हैं। जब तक आपका लो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए आपके बॉडी में बना हुआ नहीं रहता है और आपका लो ब्लड प्रेशर के कारण आपके जीवन शैली प्रभावित नहीं होती है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। यानी अगर आपकी लो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है सिस्टोलिक 90 mmHg और डायस्टोलिक 60 mmHg होती है तभी ये माना जाता है कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। हालांकि
अचानक ब्लड प्रेशर की संख्या गिरना, अगर आप बिल्कुल भी नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120 mmHg और 80 mmHg है और वो अचानक से गिरता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अचानक से ब्लड प्रेशर कभी नहीं गिरना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि 120 mmHg और 80 mmHg से भी कम हमेशा रीडिंग बता रहा है आपका ब्लड प्रेशर, तब भी आप ये माना जाएगा कि आप इनिशियली प्रभावित हो चुके हैं लो ब्लड प्रेशर से। लेकिन ये सीवियर उसी समय माना जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर 90 mmHg और 60 mmHg बना हुआ रहता है निरंतर तौर पे, और इसके कारण आपकी जीवन शैली प्रभावित होती है, तभी ये माना जाएगा कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित पाए जाते हैं यानी हाइपोटेंशन से ग्रसित पाए जाते हैं तो आपको प्राइमरी प्रिकॉशन या तो कुछ मेजर प्रिकॉशन की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप सीवियर हाइपोटेंशन से ग्रसित होते हैं यानी न्यूनतम ब्लड प्रेशर से भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है तो वो हार्ट डिजीज़ को जन्म दे सकता है। इसलिए अगर आप निरंतर तौर पे आपका ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू हो जाए तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो चुके हैं तो आपके शरीर में काफ़ी कॉमन से सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे जानकर भी आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो चुके हैं। तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं तो आपको चक्कर आने की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी उठेंगे तो आपको चक्कर आने की समस्या होगी। अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं तो हल्के हल्के सर दर्द की समस्या बनी हुई होती है जो कि काफ़ी हल्का होता है, और कभी कभी काफ़ी तेज़ सर दर्द की समस्या हो जाती है। तो बेहोशी की भी समस्या होती है। अगर आप का जो लो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में बेहोशी की भी समस्या हो सकती है, धुंधलापन की भी समस्या होती है। ये सिचुएशन मोस्टली सीवियर हाइपोटेंशन में दिखता है, धुंधलापन की समस्या हो सकती है एंड मोस्टली लैक ऑफ कंसंट्रेशन की समस्या होती है। जब भी आपका लो ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, कंसंट्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है और उल्टी की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो ये मोस्टली काफ़ी कॉमन समस्या है। सीवियर हाइपोटेंशन यानी एक्सट्रीम हाइपोटेंशन, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर न्यूनतम से भी कम चला जाता है तो उस समय जो सिम्टम्स दिखते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं। उस समय जो सिम्टम्स दिखता है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो न्यूनतम से भी कम आ जाता है तो आप में कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होने लगती है। आप कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है। आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, हल्का ठंडा पड़ने लगता है आपका शरीर, आपका त्वचा पीला पड़ने लगता है, मतलब लाइट पीलापन हो जाएगा आपका त्वचा। उस समय जो सिचुएशन होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। आपको सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, आपका त्वचा रूखा पड़ने लगता है और मोस्टली पल्स रेट काफ़ी गिरने लगता है, या तो फिर पल्स रेट आपको काफ़ी हाई हो जाएगा या तो फिर काफ़ी गिरना शुरू हो जाएगा। तो सीवियर हाइपोटेंशन में काफ़ी सीवियर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित है यानी उसका ब्लड प्रेशर निरंतर तौर पर कम रह रहा है, चाहे वो ओल्ड एज के कोई व्यक्ति हो या तो फिर यंगर एज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा जिसके कारण वो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हुआ है। काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता है और वो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें से जो पहला है वो है प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकती है। उसका ब्लड प्रेशर अचानक नीचे गिरता है और वो काफ़ी गंभीर अवस्था मानी जाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये नहीं कि केवल वो लो ब्लड प्रेशर से ही ग्रसित हो सकती है, वो हाई ब्लड प्रेशर से भी ग्रसित हो सकती है और उसका ब्लड प्रेशर अचानक से ऊपर भी जा सकता है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए कहा जाता है अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर बार बार चेक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें से दूसरा है हार्ट
प्रॉब्लम, अगर कोई भी पुरुष या महिला हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज से ग्रसित है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ब्लड लॉस के केसेस में भी लो ब्लड प्रेशर की स्थिति देखी गई है। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ब्लड लॉस हो रहा है, आपके शरीर से खून निरंतर तौर पे निकल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी लो ब्लड प्रेशर की स्थिति देखी गई है। चाहे वो ऑपरेशन की कंडीशन हो, चाहे वो ब्लीडिंग की कंडीशन हो, महिलाओं को हर मंथ ब्लीडिंग की कंडीशन होती है, और उस सिचुएशन में अगर ब्लड लॉस की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में लो ब्लड प्रेशर की स्थिति देखी गई है। इंडोक्राइन प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड की समस्या है, चाहे आप थायराइड से ग्रसित हों, चाहे लो टेस्टोस्टेरोन से ग्रसित हों, या तो फिर डायबिटीज से ग्रसित हों, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का इंडोक्राइन समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, वहाँ पे भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। थायराइड की बीमारी है, अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो वहाँ पे भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। लो टेस्टोस्टेरोन में भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। लेकिन इन सभी बीमारियों में ऐसा नहीं है कि केवल लो ब्लड प्रेशर की ही समस्या देखी गई है, हो सकता है आप हाई ब्लड प्रेशर से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल लो ब्लड प्रेशर से ही आप शिकार लो ब्लड प्रेशर के ही आप केवल शिकार हो सकते हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शंस के केसेस हों, सीवियर इन्फेक्शन में काफ़ी सारे बीमारियां हो जाती है, चाहे वो सेप्टिसेमिया हो, गैनोरोइया हो, सेलुलाइटिस हो, डर्माटाइटिस हो, किसी भी तरह का अगर सीवियर इन्फेक्शंस है आपको तो वहाँ पे भी आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की समस्या हो, अगर आपके शरीर से पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, पानी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है और आप पानी पी नहीं रहे हैं, तो उस सिचुएशन में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर डिहाइड्रेशन की भी समस्या आप में हो चुकी है तो वहाँ पे भी लो ब्लड प्रेशर से आप ग्रसित हो सकते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, अगर आपको किसी भी तरह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे भी आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं। किसी भी मेडिकेशन के द्वारा भी लो ब्लड प्रेशर की सिचुएशन देखी गई है। अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, अगर आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की निरंतर तौर पर कमी हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और वह अचानक होती है, जो कि काफ़ी गंभीर अवस्था मानी जाती है। कुछ ऐसे मेडिसिंस भी हैं जिस मेडिसिंस के इस्तेमाल से लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है, उसमें से है पार्किंसन डिजीज मेडिसिंस। अगर आप पार्किंसन डिजीज से परेशान हैं और पार्किंसन डिजीज के मेडिसिंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस मेडिसिंस के इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर नीचे गिरे। सर्टेन टाइप ऑफ एंटी डिप्रेशन मेडिसिंस, यानी अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं और आप डिप्रेशन की कुछ दवाइयां ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं डिप्रेशन के जिसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर गिरने की समस्या देखी जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो मेडिसिंस होती हैं, चाहे वो सिल्ड्रेनाफिल हो, चाहे वो टैडानाफिल हो, उस मेडिसिंस के इस्तेमाल से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे मेडिसिंस हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नीचे गिरा सकता है, और वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि मेडिसिंस के इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट के कारण ही आपका ब्लड प्रेशर नीचे गिरता है, और उस सिचुएशन में अचानक ब्लड प्रेशर नीचे गिरता है, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति मानी जाती है। अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और आपका ब्लड प्रेशर निरंतर तौर पर कम रह रहा है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि किसी बीमारी से तो आप ग्रसित नहीं है, डायबिटीज़ की समस्या तो आपको नहीं है, आप थायराइड से तो ग्रसित नहीं है, या तो फिर किसी भी इंडोक्राइन प्रॉब्लम, तो कोई भी इंडोक्राइन प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो ब्लड टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ECG भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है लो ब्लड प्रेशर के केसेस में। अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो ECG भी करवाया जाता है, उससे भी डिटेक्ट किया जाता है कि आपको क्यों, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ECG आपके हार्ट को मॉनिटरिंग करता है और उसके तहत ये पता लगता है कि आप किसी हार्ट डिजीज से तो परेशान नहीं है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे मेडिसिंस आते हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन बिना किसी डॉक्टर सलाह के नहीं।
इसमें जो ट्रीटमेंट है, हाउस ट्रीटमेंट है, वो अधिक नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करें। अगर आप निरंतर तौर पर ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, तो जितना आप साल्ट खाते हैं उससे थोड़ा आपको ज़्यादा साल्ट खाने की आवश्यकता पड़ सकती है आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का सलाह दिया जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा तो वहाँ पे भी लो ब्लड प्रेशर से परेशानी हो सकती है। तो पानी पीने का सलाह काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। दिन में 5 से 6 बार खाना खाने की सलाह दी जाती है, और खाने का मात्रा काफ़ी हल्का रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप एक ही बार में खाना खाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ समस्या देखी गई है। इसीलिए अगर आप घर में अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और घर से ही अपने लो ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हैं, तो खाने की मात्रा काफ़ी हल्का रखें और दिन में 5 से 6 बार खाएं। कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड्स का इस्तेमाल ना करें, चाहे जैसे पोटैटो, राइस, पास्ता एंड ब्रेड, इन सब चीज़ों का जिसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज़्यादा होती है, उन फूड्स का इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज निरंतर तौर पर करते रहें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, होम रेमेडीज़, जिससे जिसको इस्तेमाल कर आप अपने लो ब्लड प्रेशर की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसके कुछ मेडिकेशन के बारे में। लो ब्लड प्रेशर के काफ़ी सारे मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और लो ब्लड प्रेशर के कारण आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, उसी समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से अपने घर पर स्टार्ट कर दें, बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 2 से 3, 4, 5 दिनों तक लो होता है, तो उस सिचुएशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। मेडिसिन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे डोजेस के बारे में भी जानकारी होगी। तो मेडोड्रीन हाइड्रोक्लोराइड एक मेडिसिन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित मेडिसिन है। लीवोफिड भी एक मेडिसिन है जो कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर कर सकती है। एंड फेनाइल फेरिन एक मेडिसिन है जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म करती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और चर्चित मेडिसिन है, जिसका नाम मैंने बताया है। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के न करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।